इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का। वेलकम टू वीडियो नंबर 14। और इस वीडियो हम लोग फिफ्थ एंड सिक्स रेकरेंस फॉर्मूले को अपन देखेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करके अपना छोटा सा सपोर्ट दें। ओके, यस, जब आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो प्लेलिस्ट को शेयर करिएगा। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ रेकरेंस फॉर्मूला, दैट इज जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ओके, फिफ्थ रेकरेंस फॉर्मूला क्या है? जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है प्रूफ में, सिंस वी हैव दिस पार्ट, ओके, माइनस एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स प्लस जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ओके, तो ये जो है ये मुझे कहाँ से मिला? ओके, आपको पता होना चाहिए ये वाला पार्ट मुझे कहाँ से मिला। तो अगर आपने, यस, दैट इज थर्ड रेकरेंस फॉर्मूले को अगर आपने सॉल्व किया होगा, यस, आपको दिखाता हूँ मैं। थर्ड रेकरेंस फॉर्मूला में जब हमने इसको सॉल्व किया था, जब इसको हमने प्रूफ किया था, तब उस समय, यस, सेकेंड रेकरेंस फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करने पे मुझे ये वाला रिलेशन मिला था। ओके, ये जो रिलेशन मुझे कहाँ से मिला था? सेकेंड रेकरेंस फॉर्मूले को, यस, सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला था? ये वाला पार्ट मिला था। तो ये जो है इसी को मुझे यहाँ पे क्या करना है? रीअरेंज करना है। ओके, यस यस, दैट इज सिंस वी हैव माइनस एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स प्लस जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस जे एन प्लस वन एक्स। इसको रीअरेंज करिए, मतलब आपको क्या निकालना है? सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, दैट इज जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन एक्स। इसको वहां पे भेज दो तो ये अपना नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो ये अपना जब पॉजिटिव होता है, इट विल बिकम एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स माइनस एज इट इज, दैट इज एन प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स। और यही है जो अपना क्या है? रेकरेंस का फिफ्थ फॉर्मूला। ओके, फिफ्थ रेकरेंस फॉर्मूला है, फाइन। अब हम क्या करेंगे? सिक्स्थ रेकरेंस फॉर्मूले को उसको अपन प्रूफ करेंगे। सिक्स्थ रेकरेंस फॉर्मूला, दैट इज जे एन प्लस वन एक्स इक्वल्स टू टू एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन माइनस वन एक्स। ये हमारा क्या है? यस, रेकरेंस सिक्स फॉर्मूला, दैट इज जे एन प्लस वन एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन टू एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स माइनस जे एन माइनस वन एक्स। तो इसके लिए जब हम प्रूफ करेंगे तो हमको करना क्या होगा? रेकरेंस फार्मूला का फोर्थ एंड फिफ्थ जो फार्मूला है, ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ रेकरेंस फार्मूला जो है उसको मुझे यहाँ पे उसका यूज लेना पड़ेगा। मेरे को कार्य से मुझे करना क्या है? उन दोनों फार्मूले को मुझे यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फोर्थ रेकरेंस फार्मूला वी हैव जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू दिस, दैट इज हाफ जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ऑल्सो फ्रॉम फिफ्थ रेकरेंस फार्मूला, ओके, फ्रॉम फिफ्थ रेकरेंस फार्मूला वी हैव जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। अब देखोगे तो यहाँ दोनों में अपना क्या दिख रहा है? आपके आपको एक कॉमन दिख रहा है कि नहीं? दैट इज जे एन डैश एक्स। तो मुझे करना क्या? दोनों को इक्वेट करना है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। तो इसको अपन जब ओपन करेंगे तो ये हाफ जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई होगा। सो इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, ओके, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस वी विल हैव हाफ ऑफ, यस, जे एन माइनस वन एक्स माइनस हाफ ऑफ जे एन प्लस वन एक्स। ये वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स, फाइन। ओके, अब यहाँ पर देखो तो ये अपना क्या जे एन प्लस वन एक्स है, इसको कोफिशियंट यहाँ पे क्या माइनस वन है, यहाँ पे क्या जे एन प्लस वन है, इसको जे एन प्लस वन एक्स है, जहाँ पे इसको कोफिशियंट क्या है माइनस हाफ है। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो अपने ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं जे एन प्लस वन एक्स को मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे इसको कोफिशियंट यहाँ आने पर क्या रहेगा? प्लस वन हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस हाफ। इस वाले पार्ट को वहाँ पे ले जाओ तो ये एज इट इज, दैट इज एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स, ओके, इसको वहाँ पे लेके आ जाओ, दैट इज माइनस हाफ जे एन माइनस वन एक्स, फाइन। यस, वन माइनस हाफ विल गिव मी हाफ, तो हाफ ऑफ जे एन प्लस वन एक्स विल बी एज इट इज, दैट इज एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस हाफ ऑफ जे एन माइनस वन इंटू एक्स, फाइन। यस, अब मुझे करना क्या? इस हाफ का जो ये जो टू है उसको हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में इसको अपन शिफ्ट करेंगे तो जे एन प्लस वन एक्स विल बिकम, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब टू मल्टीप्लाई होगा दिस विल बिकम टू एन अपॉन एक्स जे एन एक्स। ओके, और यहाँ पे जब टू मल्टीप्लाई होता है टू टू विल गेट कैंसिल, सो वी विल बी लेफ्ट विथ माइनस जे एन माइनस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। और यही है जो मुझे यहाँ पे क्या करना था? प्रूफ करना था। ओके,
So finally, we have proved fifth and sixth recurrence formula. Okay, thank you so much.